The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Hello friends, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे. और आज वो दिन आ गया है बालकनी टूर. तो आज के बालकनी टूर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. जो लोग नए हैं या तो फिर जो लोगों को देखते आ रहे हैं बट उन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. तो मेरा नाम है सुदेशना और मुझे प्यार से घर पर बुलाते हैं रिंकी. तो आपको जो मन करे आप वो बुला सकते हो. रिंकी बुलाना तो रिंकी बुलाए, सुदेशना बुलाना तो सुदेशना बुलाए. और मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ. मैं रहती हूँ विशाखापट्टनम में मम्मी पापा के साथ. और मतलब कि मैं बट उड़ीसा से हूँ, बट रहती हूँ यहाँ पे हूँ क्योंकि पापा का जॉब यहीं पे ही है. तो फिर मेरा बचपन यहीं पे ही कट गया है. तो मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ. छोटा सा शहर है बट अच्छा है, पीस है. तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है रहने में. तो ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है विशाखापट्टनम. और ऊपर से ये जो घर बना था, जो फ्लैट है, वो फ्लैट बहुत पुराना है, 2007 का है. तो फिर बहुत पुराना, बस बालकनी बाहर की तरफ था और ऊपर से बारिश का पानी सब गिरता तो बहुत गंदा हो गया था. तो उसी को ही जस्ट मेकओवर किया है. और मैंने मेकओवर जैसे मार्च में किया था, तो वो वाला मेकओवर मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज. तो फिर क्या क्या मेकओवर किया है मैंने, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली जितना हो सकेगा उतना ही मैंने किया था. तो मार्च का किया था मैंने. तो फिर उस टाइम पे मेरा कोई चैनल खुला नहीं था. फिर उसके बाद धीरे धीरे बस मन किया कि थोड़ा सा चैनल खोलती हूँ. तो वैसे भी जॉब के लिए भी अभी अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है. तो फिर इसमें भी थोड़ा सा मैं आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. तो बस छोटा सा आइडिया है और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बजट फ्रेंडली ही है. आपको कुछ मैंने कुछ ज़्यादा खर्चा करके या ऐसा कुछ बालकनी नहीं, जो बजट फ्रेंडली जो रहता है उसी हिसाब से ही किया है. तो आप लोगों को अगर आइडिया चाहिए तो फिर ये बेस्ट आइडिया होगा मेरे ख्याल से. अगर आपका अपना इनोवेशन है तो आप कर सकते हो, बट मेरा जो इनोवेशन था, जो मेरा आइडिया था, मैं मतलब कि देख देख के कुछ अपना आइडिया निकाल के मैंने अपना बालकनी का छोटा सा सजाया बहुत अच्छी तरह से. तो फिर बहुत लोगों को अच्छा लगा जो जिन को मैंने फ़ोटो भेजा था. तो फिर अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग कोई लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो फिर वहाँ देखा ही होगा ऑब्वियसली कि मेरा बालकनी मेकओवर कैसा किया गया था. और अभी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मतलब 10-15% थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है. बस थोड़ा सा वो वॉल पे थोड़ा सा चेंज किया, तो फिर थोड़ा सा नया लुक भी दे रहा है. तो फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर दो. अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरा पहला का बालकनी कैसा लगता था, मतलब जब मेकओवर करने के बाद. पहला वाला बालकनी का को तो कोई फ़ोटो नहीं होगा, अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं पता. बट ऑब्वियसली आई गेस होना तो चाहिए, बट मुझे नहीं लगता नहीं होगा, 90% लगता है नहीं होगा. अगर होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. चलते हैं, देखते हैं मेरा बालकनी तो. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो चलिए चलते हैं मेरे बालकनी में. से एंट्री बालकनी का, और इधर पे प्लांटर्स ऊपर रखे गए हैं. तो रखने के लिए यहाँ पे टाइल्स और ग्रिल का थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है जिसे सपोर्ट मिले इन सब को रखने के लिए. और इधर कुछ हैंगिंग पॉट्स वगैरह थे जो प्लास्टिक के मिलते हैं वो है. और इसको मैंने पेंट कर दिया ऐसे थोड़ा सा एक लुक, मतलब कि थोड़ा सा फेस बना दिया, कुछ भी आप बना सकते हो तो बड़ा क्यूट सा लगता है. और यहाँ पे एक लैंटर्न लगा दे, तो लैंटर्न के लिए कुछ मिला नहीं तो फिर एक पुराने बॉटल से, ग्लास बॉटल से थ्रेड से लगा, तो उसमें कैंडल एक रख दिया तो फिर वो एक विंटेज लुक भी देता है. और इधर सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, तुलसी के ज़्यादा पॉट्स रखे हुए हैं इधर. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइल्स वगैरह लगा है और ऊपर से यहाँ पे धूप का दानी रखा गया है ताकि धूप से को उसमें लगा रहे और जो भी उसका गिरेगा तो फिर उस प्लेट में ही गिरेगा. और यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा सा मतलब तुलसी का पेड़ है.
और उसी के जस्ट नीचे ही एक लैंटर्न ऐसे लगा दिया है और एक इतने लाइन से करके मैंने सारे प्लांट्स रखे हुए हैं इधर पे, आप देख सकते हो। और जो मेरे फर्स्ट ब्लॉक में भी कुछ कुछ प्लांट्स के मैंने नाम दिए थे, तो अगर किसी ने देखा होगा तो उनको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं और एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें पूरे बालकनी में क्या क्या प्लांट्स हैं उन सब की मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको थोड़े से देखने हैं तो फिर ये जो इसका जो लिंक था वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इधर आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है इस वाला कोना बालकनी का, तो फिर पूरा हरा भरा रहता है। और इस तरफ से साइड में एक सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर यहीं पर ही रहता है और कहीं घर पर तो रखने का जगह नहीं है, और उसके पे एक प्लांट भी आप रख सकते हो ऐसे उसका प्लेट डाल के, तो एक अच्छा भी दिखता है, एक नया शो पीस टाइप का हो जाता है। और इधर सारे मनी प्लांट्स लगे हुए हैं ऐसे। और इधर से जब जाते हैं तो फिर यहाँ पे वो अलमंडा वाला पेड़ आता है जिसमें कम से कम 10 या 12 फूल देता है हर दिन, और ये समर प्लांट्स है, तो फिर इसको प्लीज़ रखिए घर पे, बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा क्रीपर प्लांट है तो उसको सपोर्ट चाहिए, बट बहुत ज़्यादा फूल देता है। और ये है वो वॉल जो आपको दिखाना चाहती थी बहुत दिनों से, तो फिर इसको मैंने पेंट किया एक तरफ से एक येलो और तीनों तरफ से वाइट किया है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाए, कुछ डूडल टाइप एरो मार्क किया है, और यहाँ पे एक बर्ड का एक वुडन वाला फ्रेम था तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो सॉस के बोतल से DIY लैंटर्न ये सब मैंने ब्लू पिंक कॉम्बिनेशन में रखा है, तो सब विंटेज वाला कॉम्बिनेशन में। और इधर यहाँ पे एक पॉट रख दिया है जिसमें वो फूल होते हैं जो रोजमेरी टाइप्स, वो वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, और यहाँ पे एक फूल का पेड़ है, और इधर मैंने सूप रखा है, और यहाँ पे एक जो सिलाई का रहता है उससे मैंने वो क्लॉथ से बनाया, और यहाँ पे एक हैंगिंग का मैंने डाल दिया है, तो एक अच्छा कलरफुल भी रखता है। और दूसरे साइड पे नीचे में ऐसे पॉट्स लाइन से करके रख दिए, और जो पॉट्स यूज़ नहीं आते तो उसके ऊपर और एक पॉट रख दिया गया ताकि स्पेस भी कम रहे और अच्छा भी दिखे, हाइटेड एक कम, तो वो ऐसे अच्छा भी लगता है। तो आप देख सकते हो स्पेस कितना कम है, बट अच्छे से अरेंज करके रखा गया है। और इधर विंडो के तरफ भी एक विंटेज लुक देना, तो सेम पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे देख सकते हो जो फिर मैंने बनाया था बास्केट को कलर किया, तो उसमें आर्टिफिशियल ऐसे फूल डाल दूँ तो फिर बहुत अच्छा दिखने लगता है। और यहाँ पे कुछ हैंगिंग पॉट्स लगाए गए हैं, कुछ 4-5-6 लगाए गए हैं ऐसे हैंगिंग पॉट्स, आप देख सकते हो, तो फिर ये ऐसे रहते हैं। और इधर पे मेरा बर्ड हाउस है, तो फिर बहुत क्यूट सा है। और यहाँ पे और एक हैंगिंग ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा दिखना चाहिए, क्योंकि वो जो पीछे की तरफ जो विंडो है तो उस पर ये ग्रीन कलर बहुत खिल के आ रहा था, तो फिर उसको थोड़ा सा नीचे करके उसको लगाया ऐसे वायर से। और इधर जो शेल्फ है विंडो के तरफ, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉयज रख दिए गए हैं, यहाँ पे इसमें कोई आर्टिफिशियल रख दिया गया क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे स्नेक प्लांट, जनरली स्नेक प्लांट्स इसमें ग्रो हो जाते हैं, तो फिर उसमें ऐसे रखा था मनी प्लांट, और इधर एक लैंटर्न रख दिया था, तो कुछ इस तरह से बालकनी का दिखाई देता है। और जब हम लोग इस तरफ से आते हैं तो फिर यहाँ पे मैंने एक थैंक यू का सिंबल बनाया है सूप से पेंटिंग करके, उसको ऐसे लगा दे तो ये बहुत अच्छा भी दिखता है। अभी देखिए पूरा व्यू बालकनी का कैसा दिखता है। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need.
और ये रोलर ब्रश है जिसे वॉल पेंट करने के लिए आसानी हो तो बहुत जल्दी भी हो जाता है और ये नॉर्मली हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। कैसा लगा मेरा बालकोनी? छोटा सा है बट प्यारा सा है। प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या तो फिर बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा बालकोनी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और तब पॉजिटिविटी रखिए। तब तक मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।